कम इन। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज हैव अ सीट। कंफर्टेबल? सो मिस्टर पवन, आर यू कंफर्टेबल? जी सर। गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स। Okay, Pavan, tell me about yourself. Thank you for giving me wonderful opportunity to introduce myself, sir. I am Pavan Misra. I am 22 years old in my family. My father was a contractor and my mother is a housewife. And my sister is an art grandin. Now I am state sector 57, but I am belong to UP in my qualification. I have passed 10th and 12th by UP board and I have done BCom from Agra University. ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये जस्ट एक फ्रेशर के लिए ठीक है, बट अगर आप एक एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस एक उसमें कैंडिडेट को सिर्फ उसका नाम, उसका एक्सपीरियंस और उसका एजुकेशन ही बोलना पड़ता है बस। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स का नाम बताएंगे, उनका फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पास में डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। वो सारी चीज़ें जो बेसिक है वो हम उसमें रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिया है सिर्फ वही इंटरव्यूज़ दिया है जो इन्होंने इनके रिज्यूम में लिखा हुआ है, बट कभी कभी कैंडिडेट्स को इसके अलावा भी बहुत सारा प्रिपेयर्स करके आना पड़ता है। मतलब जो आपके रिज्यूमे में लिखा है इसके अलावा वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो सब हम सब देख लेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या आपको बताना है इंटरव्यू में वो आपको बताना पड़ेगा एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। वैसे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसके लिए आपको हमारे अलग अलग वीडियो देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने बताया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से और बोल सकते हैं, जैसे गो थ्रू योर रिज्यूमे, आप ऐसे ही बोल सकती हो, और तीसरा होता है ब्रीफ योर सेल्फ। इन तीनों का मतलब ये होता है इंट्रोडक्शन देना। पहला आंसर इन्होंने दे दिया इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे 4 और क्वेश्चंस की, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। यस, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू एंड व्हाई शुड आई हायर यू, ये सेम ही क्वेश्चन है बट इसके आंसर मतलब एक ही होने वाला है। व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? सर, आई एम राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब एंड आई हैव ऑल दोज क्वालिटीज फॉर दिस डेजिग्नेशन। ओके, एंड व्हाई शुड आई रिजेक्ट यू? Sir, I am right candidate for this job and I have all those qualities for this designation. Okay, ये आंसर मतलब करेक्ट नहीं है। जब आप ये आंसर आप दे रहे हैं तो ये दोनों का आंसर आपने सेम दे दिया है, तो why should I select you तो ठीक है, but why should I reject you ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपको आंसर ये देना चाहिए, अच्छा इसका आंसर why should I reject you का इस तरीके से देना है कि दैट इफ़ यू आर रिजेक्टिंग मी अ गुड कैंडिडेट और अ राइट कैंडिडेट फॉर योर दिस प्रोफाइल, देन इफ़ यू आर लूजिंग अ राइट असेट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आप इस तरीके से इसका आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मिस्टर पवन, आप मुझे नर्वस लग रहे हो, कि आप कुछ नर्वस हैं? कंफर्टेबल? पानी मंगाया आपके लिए? नो। So interview start करें? जी सर। So what's your weakness? Sir, I can't say no everyone. When someone asks for help, it is my weakness. Okay. And what's your strength? My strength is I have a computer skills. I have advanced Excel knowledge and I have communication skills. इन्होंने जो आंसर दिया व्हाट इज योर वीकनेस, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछता है कि आपकी कमजोरी क्या है, मतलब आपकी वीकनेस क्या है, तो यहाँ पर आपको रिप्लाई देना है जो कि कंपनी को किसी भी प्रकार से नेगेटिव ना लगे और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही कंपनी को मिले। मतलब आपकी कमजोरी भी कंपनी के लिए फायदेमंद होना चाहिए, नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज योर वीकनेस, आप कह सकते हैं
जैसे मिस्टर पवन ने बताया कि आई कांट से नो व्हेन समबडी आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई हेल्प के लिए अगर आपसे कह रहा है, आप उसकी सहायता करते हैं, तो इसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। आप इस तरह से कोई भी आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इसमें क्या आंसर देना चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इसमें क्या आंसर आपको देना चाहिए। यस, स्ट्रेंथ के लिए। हाँ, स्ट्रेंथ के लिए। ओके, अभी आपने जो आंसर बोला व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में कभी भी हमको ये बताना जरूरी है कि ये कंपनी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है और मैं किस तरीके से स्ट्रांग हूँ किस चीज़ में। यदि आप ये नहीं बता पाएंगे कि मैं स्ट्रेंथ बहुत तरीके की होती है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं मतलब किसी को भी पीट सकता हूँ, इस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं होती है। यदि हम किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए काम के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो उस इंटरव्यूज में मतलब उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो स्किल्स आपको बतानी पड़ती है और उसमें आपको बताना है। जैसे मिस्टर पवन इज़ गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर कंप्यूटर जॉब, तो इनको बताना चाहिए कि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन द नॉलेज फॉर लाइक सी, सी प्लस प्लस, एक्सेल, वर्ड, एडवांस एक्सेल, एवरीथिंग दिस काइंड ऑफ। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है कंपनी के लिए, मतलब ये कैंडिडेट के लिए, कि उनको जो रिक्वायरमेंट है उस बंदे में वो स्किल्स डेवलप है। और अगर आप सेल्स के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, इस तरह से आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ रहेगी वो स्ट्रेंथ किसी को मारने पीटने वाली नहीं होती, क्योंकि मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि एक कैंडिडेट ने यही बता दिया, एचआर ने पूछा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, उसने बोला कि मैं किसी को मार सकता हूँ। आप ज़रा सोचिए, इंटरव्यू में क्या आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाएंगे? नहीं ना। तो ये यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, और आपको जो आंसर देना है वो ये देना है कि आप कंपनी को किस प्रकार बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।